जाना हो तो हम उसमें किस तरीके से जो है वो मूवमेंट करेंगे, उसमें किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्रीफिक्स टू अनदर प्रीफिक्स हम किस तरीके से इसकी वैल्यू इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो सिंस यू आर जस्ट अ बिगनर्स, अभी आप बिल्कुल बिगनर्स हैं प्रीफिक्स के अंदर, तो लेट्स से अगर आप लोग एक प्रीफिक्स से दूसरे प्रीफिक्स की तरफ जा रहे हैं जी, जैसे कि मैं फेमिना ने मुझसे पूछा है कि हम अगर हम नैनोमीटर से पीकोमीटर में जा रहे हैं, ठीक है, ओके। सो लेट्स से अगर हमारे पास एक वैल्यू गिवन है 500 नैनोमीटर्स, ठीक है जी, माइक्रोग्राम टू किलोग्राम, ठीक है, मैं भी बता देता हूँ। 500 नैनोमीटर से हमें किस में जाना है, पीकोमीटर्स के अंदर, ठीक है जी, वी आर मूविंग टू पीकोमीटर्स। तो हम इसको किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे, देखें पहले एक बेसिक इसका मेथड समझ लीजिए कि सबसे पहले तो हम लोग अगर इसको नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट हम इसको क्या कर लेते हैं, नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो नैनोमीटर से जब हम मीटर में जाएंगे तो दिस इज 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स, ये हमारे पास ये नैनोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं कि इस 500 मीटर्स को 500 मीटर इनटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स को पीकोमीटर्स में लेके जा सकते हैं, व्हिच इज 500 इनटू 10 टू द पावर माइनस 9, और जो पीको का प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस 12। तो हम जब नॉन प्रीफिक्स यूनिट से प्रीफिक्स यूनिट में जाते हैं तो 10 टू द पावर माइनस 12 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, पीको 10 टू द पावर माइनस 12 होता है, डिवाइड करेंगे तो ये 10 टू द पावर माइनस 12 जो है, एक सेकेंड सॉरी 19 यहाँ पे हो गया, दिस इज नॉट 19 दिस इज 9, 10 टू द पावर माइनस 12 जब ऊपर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, तो 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस प्लस 12, ठीक है जी, ऊपर जाके प्लस 12 हो जाएगा, तो माइनस 9 प्लस 12 क्या बचेगा आपके पास जी जनाब, प्लस 3, बिल्कुल सही है। तो दिस इज 500 इंटू 10 टू द पावर 3 पीको मीटर्स, ठीक है। तो ये हमने सिंपल कन्वर्जन कर ली 10 टू द पावर 500 नैनोमीटर्स की 5 पीकोमीटर्स के अंदर, ये नैनोमीटर से हम पीकोमीटर के अंदर कन्वर्जन, ठीक है जी सर जी। अगर उल्टा जाते पीकोमीटर से नैनोमीटर जाते तो तब भी डिवाइड करते, हाँ तब पीकोमीटर से नैनो, देखो पीकोमीटर से नैनोमीटर में मैं डायरेक्ट तो गया नहीं, ठीक है ना, पीकोमीटर से मैं नैनोमीटर में डायरेक्ट तो गया नहीं हूँ, मैं बेसिकली क्या करा है, मैंने पहले मैं मीटर्स में आया हूँ, हाँ मिस मीटर्स में आया हूँ, और इसके बाद फिर मैं किसके अंदर ट्रेवल किया हूँ, पीकोमीटर्स के अंदर, ठीक है जी। लेकिन अगर आप लोग बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं परफेक्ट हैं इस कन्वर्जन के अंदर, बहुत ज्यादा आप परफेक्ट हैं, आपको लगता है कि मुझसे गलती होने के चांसेस नहीं है, तो आप डायरेक्टली 500 नैनोमीटर्स को डायरेक्ट पीकोमीटर में भी लेके जा सकते हैं। बाय द वे नैनो का जो होता है आपके पास प्रीफिक्स होता है वो 10 टू द पावर माइनस 9 होता है, और पीको का जो होता है वो होता है 10 टू द पावर माइनस 12 होता है, ठीक है जी, 9 और 12 होता है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस आ रहा है हम दोनों में, इन दोनों में वो कितने का आ रहा है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 10 टू द पावर माइनस 3 का डिफरेंस है, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 3 का मीटर डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे इस केस के अंदर, ये 500 नैनोमीटर्स को जो डिफरेंस है उसको डिवाइड कर दोगे उस डिफरेंस, ठीक है जी, जो भी आपके पास डिफरेंस है, सॉरी ये 3 है 13 नहीं है, तो ये डिफरेंस से जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, ये ऊपर आके माइनस 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है जी। तो नाउ दिस विल बिकम्स 500 नैनोमीटर्स की जगह ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पीकोमीटर्स कन्वर्ट। लेकिन आई एम सिंपली सजेस्टिंग यू टू गो टू द फर्स्ट मेथड, पहले मेथड की तरफ जाइएगा, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सेकंड मेथड में आपको जो है वो ये करने के, गलती करने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है जी, बहुत ज्यादा चांसेस हैं आप इसको गलत करने, ठीक है। मॉस क्या कह रहे हैं, विल चेंज फ्रॉम 300
हाँ वो मास आपकी मर्जी है, अगर आप इसको 500 को 5 × 10^5 में लिख दें तो इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू, आप जिस तरह भी इसको लिखना चाहें ठीक है, इट डजंट मेक यू एनी पेनलाइजेशन ऑफ सर। बिग टू स्मॉल या स्मॉल टू बिग वाला कोई थ्योरी है लाइक व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड? यस, इस केस में जो सेकंड मेथड मैंने किया ना, सेकंड मेथड ठीक है, इस सेकंड मेथड में क्या थ्योरी है, इसमें ये थ्योरी फेमिना अप्लाई होगी कि जब तुम एक स्मॉल प्रीफिक्स से सॉरी बड़े प्रीफिक्स से उससे छोटे प्रीफिक्स में जा रहे हो, देखो नैनो इज मोर बिगर देन पीको, पीको ज्यादा छोटा होता है, तो पीको इज स्मॉल और नैनो इज बिग, तो आप जब बिग से स्मॉल की तरफ जा रहे हो तो डिवाइड करोगे ठीक है, बिग से स्मॉल की तरफ जा रहे हो तो प्रीफिक्स की वैल्यू से डिवाइड करोगे, और जब स्मॉल से बिग की तरफ आओगे तो देन यू विल मल्टीप्लाई करोगे, ये इसमें थ्योरी है। लेकिन अगेन आई विल पर्सनली सजेस्ट यू ऑल डोंट फॉलो सेकेंड मेथड, एरर बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, होंगे आपसे गलतियां, प्लीज फॉलो सेकेंड फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड इज मोर इजी, आप लोगों से गलती होने के चांसेस बहुत कम है उसके, सेकेंड में चांसेस बहुत जी। सर हम पहले प्रीफिक्स से नॉन प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें और उसके बाद किसी और प्रीफिक्स के अंदर लेकर जाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये तरीका सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा तरीका है, थोड़ा सा एक स्टेप आपका बढ़ेगा ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब आपको ये गलती नहीं होगी कि मुझे बड़े से छोटे में जाना है तो डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, ये वरना प्रॉब्लम आपके सामने रहेगी ठीक है। मुझे इन्होंने एक और ने भी पूछा था क्वेश्चन कोई कि क्या पूछा था भाई किसने, अच्छा जी अगर मैं माइक्रोग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो कैसे करेंगे ठीक है, लेट्स से हमारे पास है 10 माइक्रोग्राम, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, किलोग्राम। अगेन मैंने वही तरीका बताया है, क्या करो सबसे पहले इसको इसकी नॉन प्रीफिक्स फॉर्म में लिखो, तो 10 आपके पास जो है माइक्रोग्राम्स है, माइक्रो का प्रीफिक्स होता है 10^-6 ग्राम्स, ये हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया ठीक है, ये हमारी वैल्यू ग्राम में कन्वर्ट हो गई सबसे पहले। अब हम इस ग्राम को किसमें ले जाएंगे, किलोग्राम के ठीक है, और किलोग्राम के लिए किलो का प्रीफिक्स क्या होता है 10^-3 ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे 10 × 10^-6 को डिवाइड कर देंगे 10^ ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे हम 10^-3 प्लस 3, किलो का प्लस 3 होता है ठीक है, प्लस 3 होगा सर, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये प्लस 3 ऊपर आके माइनस 3 हो जाएगा, दिस विल बिकम 10 × 10^-9 किलोग्राम ठीक है जी, 10 × 10^-9 किलोग्राम या 1 × 10^-8 किलोग्राम, वॉट एवर यू लाइक, जिस तरीके से आप इसको लिखना चाहें लिख लीजिए। अगेन मैंने वही मेथड किया है, सबसे पहले हमने एक सिंपल यूनिट के अंदर लेके गए विद नो प्रीफिक्स, और फिर हम उसके बाद अपने फाइनल प्रीफिक्स की तरफ गए हैं, गलती के एरर के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे जी। अच्छा जी एक मिनट, हाँ हमेशा डिवाइड करेंगे, ये नूर हमें एक रूल इससे फायदा ही होगा ना कि अगर हम हमेशा डिवाइडिंग वाला रूल रखेंगे तो हमारे पास चीजें आसान रहेगी ना, अब हमें ये प्रॉब्लम रहेगा मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चीज जो है ना ये मसला करती है, जब भी हम नॉन प्रीफिक्स यूनिट से प्रीफिक्स में जाते हैं डिवाइड करते हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी हम नॉन प्रीफिक्स से प्रीफिक्स में जाते हैं डिवाइड करते हैं, प्रीफिक्स से नॉन प्रीफिक्स में आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूल याद रखिए। और जब भी हम एक प्रीफिक्स से दूसरे में जंप जा रहे हो डायरेक्ट, तो फिर हम पहले एक सिंपल फॉर्म में जाएंगे और फिर सिंपल फॉर्म में जाने के बाद जो है फिर हम उसको दूसरी फॉर्म में लेंगे, करेक्ट जी। अगर सर ऐसा हो कि 5.6 × 10^-3 हो, देन वी जस्ट मल्टीप्लाई प्रीफिक्स ऑफ 10^-12 जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, अगर हमारे पास एक वैल्यू गिवन है 5.6 × 10^-3 पीकोमीटर ठीक है, ये क्वेश्चन और पूछा गया है, एक वैल्यू गिवन है 5.6 × 10^-3 पीकोमीटर ठीक है जी, ये पीकोमीटर्स में है, तो हमें इसको पीकोमीटर्स को अगर मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 5.6 × 10^-3 जो वैल्यू थी, और अब पीको की जगह आ जाएगा 10^-12, ये 10^3 − 12 क्या हो जाएगा 5.6 × 10^-15 मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा,
और 10 टू द पावर माइनस 15 एक्चुअली फेमटो होता है, तो चाहो तो आप इसको 5.6 फेमटोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर इशू? सिंपल रूल है कि हम डिवाइड करके आंसर आ जाएगा अगर हम नॉन प्रीफिक्स से प्रीफिक्स में जा रहे हैं। हां, नॉन प्रीफिक्स से प्रीफिक्स में जा रहे हैं तो डिवाइड करके आ जाएगा। सो जी बिल्कुल सर, मीटर्स में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्लस 12 नहीं होगा ऊपर? क्या चीज बेटा, पीको का क्या प्रीफिक्स होता है? माइनस 12 होता है सर, लेकिन ये जो लिखी हुई वैल्यू है क्या ये एक प्रीफिक्स्ड यूनिट के साथ है या नॉन प्रीफिक्स के साथ है? प्रीफिक्स के साथ है। तो जब हम इसको नॉन प्रीफिक्स वैल्यू की तरफ लेके जाएंगे तो नॉन प्रीफिक्स में जाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी इस प्रीफिक्स की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, बताएं? जब हम प्रीफिक्स से नॉन प्रीफिक्स में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं? मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई करते, जो रूल है बस उसको फॉलो करते। ठीक है, मैं क्वेश्चन दूं आप लोगों को इसके लिए कन्वर्जन का? जी सर, देते हैं। इसको कन्वर्ट करें आप लोग जरा। चलो जी, किलोग्राम्स को आपको पीकोग्राम्स में लेके जाना। ठीक है, और सेकंडली आपने ये करना है कि 240 नैनो मीटर्स को आपने मेगा मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है जी, तो 240 नैनोमीटर्स को आपने मेगा मीटर्स में कन्वर्ट करना है और 501 किलोग्राम्स को पीकोग्राम्स में लेके जाना। जी, ये दो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, करिए। शुजा, लास्ट वाला अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है तुम्हें? अच्छा देखो, लास्ट वाला में मैंने क्या किया था शुजा, लास्ट वाले में 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पीकोमीटर्स था। इस पीकोमीटर्स को हमने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर के अंदर। मीटर इज अ नॉन प्रीफिक्स्ड यूनिट, ये एक नॉन प्रीफिक्स्ड यूनिट होता है। जब हम इसको नॉन प्रीफिक्स्ड यूनिट में लेके जाएंगे तो जो भी हमारे पास इस प्रीफिक्स की पीको की वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को इस प्रीफिक्स की वैल्यू से। तो पीको की वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस 12, तो हमने जो भी कन्वर्जन थी उसके लिए सिंपली इसको 10 टू द पावर माइनस 12 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास ये नॉन प्रीफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो। ठीक है जी, सो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि ये जो 500 किलोग्राम्स है इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं नॉन प्रीफिक्स के अंदर। तो 500 किलोग्राम को ग्राम में लेके जाते हैं जिसको ये हो जाएगा 501 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम्स। ठीक है जी, ये हमारे पास ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको पीकोग्राम में लेके जाते हैं। अब बाय द वे आप एक सिंपल से प्रीफिक्स यूनिट में जा रहे हैं तो अब आप क्या करेंगे, किलोग्राम से ग्राम में जाते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, और अब आप जा रहे हैं ग्राम टू पीकोग्राम के अंदर, तो अब आप क्या कर दोगे, इसका उल्टा यानी डिवाइड कर दोगे। जब डिवाइड करोगे इस प्रीफिक्स की वैल्यू से 501 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय पीको होता है 10 टू द पावर माइनस 12, जो कि ऊपर होके क्या हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 12, सो ये हो जाएगा 501 इंटू 10 टू द पावर प्लस 15 पीकोग्राम्स। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 501 पीकोग्राम्स। ठीक है जी, इंटू 10 टू द पावर 15। जी भाई,
ये पहले का आंसर है जिसमें फेमिना ने ठीक किया है। अली आमिर आपका आंसर गलत है, दोबारा चेक कीजिए। मौज ने भी ठीक किया है, नूर ने भी ठीक किया है, वेरी गुड। फेमिना आपका पहला आंसर गलत था। अच्छा आपने ग्राम ठीक ठीक है फेमिना। चाहो तो मीरान लिख लो इसको 5.10 इनटू, लेकिन फिर वो पावर में चेंज आएगा, थोड़ा सा पावर और चेंज हो जाएगी हमारी, ठीक है। पॉइंट्स में अगर मूव करोगे इधर उधर पॉइंट को तो फिर आपके पास पावर में चेंज आएगा, ठीक है ना। अगर तुम उसको डेसिमल को आगे की तरफ लेके जाओगे तो पावर और बढ़ेगी। अच्छा अली आमिर साहब ने 5.0 बन लिखा, ठीक है अली आमिर सॉरी आपका आंसर भी ठीक, ठीक है। अच्छा जी अब मैं नैनोमीटर्स को मेगामीटर्स में लेके जा रहा हूँ, तो नैनोमीटर्स को पहले हम किस में लेके जाते हैं, नैनोमीटर्स को मीटर में लेके जाते हैं, सिंपल तरीका मीटर में। तो हम लोग मीटर में जाने के लिए नॉन प्रीफिक्स यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 240 × 10⁻¹ मीटर्स, ये हमारे पास नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। नाउ वी विल कन्वर्ट मीटर्स टू मेगा मीटर्स, और मेगा का लिए हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। तो 240 × 10⁻¹ डिवाइडेड बाय 10⁶, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर जाके -6 हो जाएगा, -6 और +9 हो जाएगा 240 × 10⁻¹ मीटर्स, ये आपके पास इसका आंसर आएगा, ठीक है जी। मेगा 10⁶ होता है, 13 किस तरह से आ रहा है आप लोगों का आंसर अमीना। अच्छा वो तुमने वो किया 2.4 किया, सही है सही है, ठीक ठीक। तो उसामा साहब आपका आंसर गलत है, ठीक है जी। ये 10⁻¹ सॉरी मेगा मीटर्स होगा, और ये बेटा 10⁻³ नहीं होगा, ठीक है। अब्बास अब्बास आंसर गलत है, शुजा सही, उसामा ठीक है, साइम सारिम ठीक है, फेमिना ठीक है, और कोई जी बाकी सारे चेक कर लिया बच्चों, इसमें इश्यू तो नहीं आ रहा। एक सेकंड लगता है आपको प्रीफिक्स से नॉन प्रीफिक्स में जाने के लिए और फिर उसको दोबारा से नए प्रीफिक्स में ले जाने, तो इसलिए बेहतर ये है कि ये एफर्ट कर लो इंस्टेड के तुम लोगों से गलती हो जाए और तुम लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। फिर से बता दूं पास बेटा, फिर से बात ये है कि जब भी आप एक प्रीफिक्स से दूसरे प्रीफिक्स में जंप मार रहे हो तो डायरेक्ट एक प्रीफिक्स से दूसरे प्रीफिक्स में जंप नहीं मारना। सिंपल ये कीजिए कि आपके पास पहले एक प्रीफिक्स से दूसरे प्रीफिक्स में जब आप जा रहे हो तो पहले सिंपल फॉर्म में चले जाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में विद नॉन प्रीफिक्स वैल्यू। नॉन प्रीफिक्स वैल्यू में जाने के बाद फिर उस वैल्यू को जो है जो आपका लास्ट रिक्वायर्ड प्रीफिक्स है उसके अंदर कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है जी। Any other questions, anyone? Shall I move forward? So let's start with the new topic. आज के लिए हम लोग एक last हमारी measurement का topic रह गया है जिसको हम कहते हैं calibration. Calibration का topic आज हम लोग पढ़ेंगे. Calibration किस तरीके से होती है? Let's see calibration. Now pay attention. The uncalibrated scale and a pointer of a meter are shown in figure
0.1 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
टैंक के अंदर कितना पेट्रोल है उसके लिए ये फ्यूल टैंक को हम क्या कर रहे हैं, कैलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो गाड़ी में हम जब पेट्रोल डालते हैं तो उसका जो एक नीडल होती है वो ऊपर से जीरो से एम्प्टी से इंक्रीज करते 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 फुल तक पे जाती है, तो उसके लिए हम ये कैलिब्रेशन का जो है ये मीटर देख रहे हैं, ठीक है। मीनिंग क्या होता है कैलिब्रेशन का? कैलिब्रेशन का मतलब होता है किसी भी स्केल के ऊपर मार्किंग करना, ठीक है, किसी भी स्केल के ऊपर मार्किंग करना अकॉर्डिंग टू प्रिसिशन, जो भी आपकी प्रिसिशन है उसके हिसाब से, तो इसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन। द मार्किंग ऑफ एनी स्केल अकॉर्डिंग टू द प्रिसिशन या सेंसिटिविटी इज नोन एज कैलिब्रेशन, इसको हम कैलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अनोन वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इज पोर इनटू द कार टैंक। तो हमने क्या किया है कि कार टैंक में एक नोन मतलब हम जानते हैं कि ये कितना वॉल्यूम है। ऑब्वियसली हमने बीकर लिया होगा कोई, उसके अंदर पेट्रोल भरा होगा और हमें पता होगा कि जी इतना लीटर है, इतना लीटर है, इतना लीटर है, तो हम वो नोन वैल्यू वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल जो है वो उस टैंक के अंदर डालते जा रहे हैं, और जब उस टैंक में डाल रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि ये पॉइंटर जो है ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे जा रहा है। जैसे कि इस ग्राफ को जरा समझिएगा, जब हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल शुरू में कोई पेट्रोल नहीं डाला था तो ये कितनी वैल्यू पे पॉइंट कर रहा था, जीरो पे, ठीक है जी। ये उस वक्त कितने पे पॉइंट कर रहा था, हमारे पास जीरो पे ही पॉइंट कर रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर पेट्रोल डाला, कितना, 20 सेंटीमीटर क्यूब का, कितना डाला, 20 सेंटीमीटर क्यूब का, तो एकदम से ये मीटर की नीडल कितने एंगल पे घूम गई, कितना एंगल बनाने लगी जी, 40 डिग्री 90 40 डिग्री 90 का सा 40, ठीक है। फिर हमने जब मजीद उसके अंदर 40 का 20 और डाला तो टोटल कितना वॉल्यूम हो गया, 40, ठीक है। और हमने क्या नोटिस किया कि अब ये नीडल कितना एंगल दिखा रही है, कितना एंगल दिखा 70. रही है 70 का। मजे की बात देखो, पहले जब हमने 20 डाला था सिर्फ, तो एकदम से नीडल ने बहुत ज्यादा एंगल डिस्प्ले किया, लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा उतना ही वॉल्यूम डाला, वॉल्यूम जरा ज्यादा हुआ पेट्रोल का, तो मीटर ने उतनी रीडिंग या उतनी सेंसिटिविटी नहीं दिखाई जितनी उसको दिखानी चाहिए थी, बल्कि इस दफा 20 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, ठीक है, उसने 10 टू द पावर एक्चुअली ये लीटर है एक्चुअली, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, ये सेंटीमीटर क्यूब इंटू 10 टू द पावर 3 एक्चुअली में क्या होता है, 1 लीटर होता है। तो मैं इसको कीप इट वेरी सिंपल। मजीद जब 20 लीटर मैंने डाला तो ये कितना शो कर रहा है, सिर्फ एंगल इसने इंक्रीज किया, कितना, 15 डिग्री का एंगल इंक्रीज किया, ठीक है जी, सॉरी कितने का इंक्रीज किया, 30 पहले इसने 40 का किया था, अब 30 का किया। अच्छा, जब हमने मजीद 60 डाला, जब हमने मजीद 60 डाला तो देखिए अब उसने कितना किया, 90 मतलब पहले 40 फिर 30 फिर 20 इंक्रीज किया, ठीक है। और जब हमने 80 का डाला तो 80 के ऊपर उसने सिर्फ कितना इंक्रीज किया, 10, और हमें कितनी वैल्यू डिस्प्ले करके दी, कितनी वैल्यू डिस्प्ले करके दी, 100, यानी इसमें इसने 10 कितना चेंज किया था, 40 डिग्री, इसके लिए उसने किया 30 डिग्री, इसके लिए उसने किया 20 डिग्री, और इसके लिए कितना किया उसने, 10 डिग्री किया, ठीक है ना। चेंज की बात करो, दिस इज चेंज, इसका मतलब है कि जैसे जैसे अमाउंट ऑफ पेट्रोल बढ़ता जा रहा है तो आपका मीटर की सेंसिटिविटी डिक्रीज होती जा रही है, बात समझ में आ रही है, मीटर के जो गैप्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों का एक ये है कि छोटी सी सजेशन है कि आप एक ऐसा ग्राफ बना लीजिए, जरा अपनी रफ कॉपीज के अंदर एक साइड पे वॉल्यूम लेबल कर लीजिए, एक साइड पे एंगल मेजर कर लीजिए, ग्राफ को डिस्प्ले कर लीजिए, ठीक है, और इसमें ये बता दीजिए ग्राफ के अंदर कि एज द वॉल्यूम ऑफ द पेट्रोल इज पोर इन द टैंक, ठीक है, द सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर, सेंसिटिविटी या प्रिसिशन ऑफ द मीटर जो है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। Is that point clear?
यानी नीडल उतना एंगल नहीं स्वीप कर रही जितना उसको करना चाहिए था, जितना स्टार्टिंग में उसने स्वीप किया उससे हमेशा उसका एंगल क्या होता जाता है कम। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? रीजन क्या है? प्रेशर की वजह से होता है बेटा। हाँ, बहुत सारे आपके पास ऐसे होते हैं। ठीक है, देखो यार, बात सिंपल सी है कि गाड़ी में जब पेट्रोल ज्यादा होता है ना तो हमें टेंशन नहीं होती। ठीक है ना, गाड़ी में जब पेट्रोल ज्यादा होता है स्टार्टिंग में हमें टेंशन नहीं होती। हाँ, जब गाड़ी में पेट्रोल कम होता है तब हमें ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए होती है, बिल्कुल एक्यूरेट डिस्प्ले चाहिए होता है ताकि हमें पता चले कि हाँ जी इतना पेट्रोल है, अब ये इतना चलेगा। फुल टैंकी कराने वाले आदमी को थोड़ी टेंशन होती है यार कि मैं कितना पेट्रोल है, मैं फुल है फुल है। ठीक है, इसलिए इसको ऐसा तो रीजनिंग आप फिर से बता देंगे क्या चीज आपने जो कहा था अभी रीजनिंग का बताई थी? हाँ, मैंने क्या कहा है, द फिगर द ग्राफ शोज द वॉल्यूम एंड द एंगल ऑफ ए कार फ्यूल टैंक। ठीक है, एज द वॉल्यूम इज 4 इन द टैंक द सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर या प्रिसिशन ऑफ द मीटर इज डिक्रीजिंग। As the petrol is more in the tank, the sensitivity or the precision of the meter is decreasing. ठीक है? Is that clear? यार आपकी पीछे से noise आ रहा है। यार क्या करूँ, मैं कहीं और बैठा हुआ क्लास ले रहा हूँ, एक और स्कूल आया हूँ वहां से बैठा हुआ क्लास ले रहा हूँ। सेंसिटिविटी डिक्रीज होती है, क्या चीज कह रही हो? हाँ, इस केस में डिक्रीज हो रही है बेटा, इस केस में डिक्रीज है, बहुत सारे केसेस में इंक्रीज भी होती है। सर, कुछ इसका किस तरह पता चलता है ये रेंज अगर डिक्रीज हो रही है इसका मतलब सेंसिटिविटी भी डिक्रीज हो रही है? क्या चीज, हमें सेंसिटिविटी का कैसे पता चलता है? देखो सेंसिटिविटी का कैसे पता चलता है, ग्राफ के अंदर हम ग्राफ में जैसे कि लेबलिंग करते हैं ना, उस लेबलिंग करके हमें पता चलता है कि सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मैंने लेबल करके आपको पूरा समझाया है ना कि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। और अभी जब मैं मीटर पे इसकी मार्किंग करूंगा ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ जी ये स्केल की सेंसिटिविटी बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, अभी मैं मार्किंग करता हूँ इसकी। सेंसिटिविटी का मतलब है उसके अंदर बीच में गैप्स कम है या ज्यादा है? हाँ, बैड गैप्स कम होते जा रहे हैं, गैप्स कम होते हैं, गैप्स डिक्रीज होते जाए। ठीक है जी, तो ये तुम लोगों ने नोट डाउन कर ली थी ना वैल्यूज? अच्छा जी, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस मीटर की मार्किंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में इसने सवाल में इसने बोला हुआ है, ऑन फिगर कैलिब्रेट द स्केल एट 20 सेंटीमीटर इंटरवल, मार्क द पॉसिबल पोजिशन ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, तो हर 20 उसके ऊपर क्या करते जाइए आप लोग, इसको कैलिब्रेट करते जाइए। ठीक है जी, तो 20 के हमें उससे इसको कैलिब्रेट करना है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसी ग्राफ को दूसरे तरीके से पढ़ते हैं जी। जब हमने इसमें 20 डाला, 20 किया तो तकरीबन कितना पेट्रोल, 20 डिग्री के एंगल पे तकरीबन कितना पेट्रोल है? 10। 40 डिग्री पे कितना है? 20। 60 डिग्री पे कितना है? तकरीबन 30। 80 डिग्री पे कितना है? 50। और 100 डिग्री पे हमारे पास कितना है? 80। ठीक है जी, इस तरीके से अब हमने क्या करना है कि स्केल की मार्किंग करनी है हर 20 डिग्री के इंटरवल के ऊपर के 20 20 20। चाहिए किस तरीके से होगी जरा ये भी देख लो। हम क्या करेंगे, हम अपना प्रोटेक्टर यहाँ सेट करेंगे, एक सेकंड, यहाँ पे हम अपना प्रोटेक्टर सेट करेंगे। ठीक है, ये प्रोटेक्टर किस तरीके से सेट होगा, ये आपका प्रोटेक्टर यूं आप लगा लेंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से आप अपना प्रोटेक्टर रखेंगे, फिर आप 20 डिग्री को पढ़ेंगे, उस पर मार्किंग कर देंगे, तो ये 20 डिग्री आप, उसके बाद 40 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 80 डिग्री, फिर 100 डिग्री। ठीक है जी,
क्लियर हो रही है बात, ये आपने पॉइंटिंग कर ली इसकी। अच्छा, इसके बाद अब आपने इसके ऊपर वॉल्यूम को नोट करना है, ठीक है जी, कि 20 डिग्री पे कितना वॉल्यूम है ये लिख लेंगे आप। अच्छा, 20 डिग्री पे कितना वॉल्यूम है ये नोट डाउन कर लेंगे। जैसे 20 डिग्री पे हमें कितना मिला था, 10, और ये स्केल हमारे पास चल रहा है इंटू 10^-3 सेंटीमीटर। तो 20 पे हमें 10 मिला था, 40 पे हमें कितना मिला है वो हम ग्राफ से देख के लेबल कर लेंगे। इस तरीके से हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो ये इसने बेसिकली कैलिब्रेशन करने का कहा। इज दैट क्लियर? ये हो जाएगी मार्किंग। जी, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? ठीक है जी, फैमिना कोई सवाल करना है? नूर? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है जी, इस तरीके से बच्चों तुम लोग इसकी मार्किंग करोगे। और ये जो हामिद से जो मार्किंग कर रहे हो ना, तो इस मार्किंग करने को क्या बोलते हैं? कैलिब्रेशन कहते हैं। इस मार्किंग को हम क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए? कैलिब्रेशन। नीडल ड्रॉ करेंगे? अच्छा, नहीं, नीडल तो अपनी जगह पे रहेगी ना, नीडल तो अपनी जगह पे रहेगी, बस हमें मीटर को कैलिब्रेट करना। ये प्रैक्टिकल किस्म का सवाल लग रहा है थोड़ा। हाँ, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये बहुत रेयरली आता है, बहुत ही रेयरली आता है ये क्वेश्चन। एक या दो दफा आया अभी तक पूरे 10-20 साल में, पूरे 20 साल में दो दफा आया ये सवाल, ठीक है, लेकिन आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये कैलिब्रेशन का क्वेश्चन होता है। अच्छा, अब मैं तुम लोगों को कुछ कैलिब्रेटेड मीटर्स भी दिखाता हूँ, कि उसमें ये तुम लोगों को आइडिया होगा कि यहाँ पे इसकी मीटर की प्रिसिशन बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है जी। मेजरमेंट्स नाम चला गया। ये देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा है 17 आप लोगों को? अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, पे अटेंशन। द डिफ्लेक्शन ऑफ ए नीडल ऑफ एन एम मीटर वेरीज विद द करंट पासिंग थ्रू द एम मीटर एज शोन इन द ग्राफ। तो आपके पास एक एम मीटर में जैसे जैसे हम करंट को पास करते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसकी नीडल की डिफ्लेक्शन होती जा रही है, ठीक है जी। अच्छा, आप नोटिस करें कि अगर हम करंट को बढ़ा रहे हैं, लेट्स से हम करंट को यहाँ लेबल कर दें 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, हम करंट बढ़ा रहे हैं तो नीडल की डिफ्लेक्शन चेंज हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब 1 था तो आपको इतनी डिफ्लेक्शन दे रही, मान लो ये डिफ्लेक्शन कितनी है 20 डिग्री, लेकिन जब 2 एम्पेयर का करंट हुआ है तो क्या आपको उतनी डिफ्लेक्शन मिली है जितनी स्टार्टिंग में मिली थी, या उससे थोड़ी सी कम मिली है? कम मिली है। उसके बाद जब 3 एम्पेयर हुआ तो रीडिंग की डिफ्लेक्शन और क्या होनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू हो गई, कम हो गई, और 4 के ऊपर और ज्यादा कम हो गई, ठीक है, और 5 के ऊपर और ज्यादा कम होती जा रही है, देख रहे हो तुम लोग। तो ये गैप्स उतने ज्यादा क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। डिफ्लेक्शन कम हो रही है तो आपके पास क्या हो रही होंगी, गैप्स जो होते जा रहे होंगे उनके दरमियान में जो गैप्स होंगे वो कम होते जा रहे होंगे। अब ये मुझे बताओ कि इसका पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है? ए ही होगा सर। जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो गैप्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो ए में बिल्कुल सही कह रहे हो, स्टार्टिंग में गैप बड़े बड़े थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता गैप छोटे होते जा रहे हैं। अच्छा, ये गैप छोटे होने का मतलब ये होता है कि इस स्केल की सेंसिटिविटी डिक्रीज होती जा रही है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, सुन रहे हैं सारे? गैप छोटे होते जा रहे हैं तो स्केल की सेंसिटिविटी डिक्रीज होती जा रही है। अच्छा, अगर गैप इंक्रीज होते जाएंगे तो क्या मतलब होगा?
सेंसिटिविटी बढ़ गई, सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है। तो अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि इसका ऑप्शन तो ये है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम लोग, इसका करेक्ट आंसर तो ये है, लेकिन अब मैं तुमसे सवाल करूं कि इसमें बी वाला आपके पास क्या है, वो क्या कह रहा है, उसका क्या मतलब है? सेंसिटिविटी बढ़ रही है, इसमें सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही है, इसमें डिक्रीज हो रही है पहले वाले में, और इसमें जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी। इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें उसमें ऐसा कुछ क्यों नहीं नजर आया, उसमें क्या कहते हैं अपना स्केल में ऐसा कुछ? जब तुम उसको लेबल करोगी ना, उसको लेबल करोगी तो तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा कि उसमें क्या हुआ है, वो लेबलिंग करने से पता चलेगा। जब उसमें तुम जो एंगल है उनके ऊपर लीडर्स को मार्क करोगी ना, तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि वहाँ सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, उस स्केल में भी सेंसिटिविटी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें मतलब तीसरे वाले का क्या है, सी वाले में? सर इसमें पहले इंक्रीज हो रही थी फिर डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज, नहीं पहले पहले डिक्रीज हुई थी, 6 तक उसकी डिक्रीज होती रही और उसके बाद 6 के बाद दोबारा क्या होनी शुरू हो गई, इंक्रीज इंक्रीज। और लास्ट वाले में क्या दिख रहा है, पहले आपके पास क्या हुई डिक्रीज फिर इंक्रीज और इस तरीके से, तो ये इस तरीके से मीटर्स की कैलिब्रेशन हो रही होगी, ठीक है। Is that clear? Yes. जी, I am leaving the class. मेरा नेट नहीं चल रहा। ठीक है। अच्छा, चलें। ठीक है, फिर हम भी यहाँ पे सर, सर वो सीआरओ के क्वेश्चंस भेज दें आप। अच्छा, मैं सीआरओ के बेटा मैं वीकेंड पे बनाऊंगा क्वेश्चंस कुछ और, पास पेपर्स में तो जितने थे मैंने आप लोगों को करवा दिए थ्योरी के, अब मैं इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस आपको जो है ना देख के बना के फिर मैं आपको भेजूंगा, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। सर वो आपकी बुकलेट नहीं है कॉलेज में, अंदर मैंने भेजी है, फैजान को भेज दी थी मैंने, वो बुक गए थे कह रहे थे नहीं है। अच्छा, हो सकता है, क्योंकि अब हो सकता है जब फिजिकल खुल रहा हो तो एक साथ ही फिर दे देंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। सुजा भाई क्या कह रहे हैं आप, इतना पढ़ने का शौक क्यों है? चलो भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।